सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर पूर्वी राज्य में नागालैंड ने अलग संविधान और अलग झंडे की मांग की है। मोदी सरकार ने 5 साल पहले राज्य से एक समझौता किया था जो अब बेअसर होता दिख रहा है। दरअसल 2015 नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि और एनएससीएन के साथ बातचीत में तकरार देखने को मिल रही है। एनएससीएन ने शांति समझौते पर अपना रुख कड़ा कर दिया है। 2015 में जब नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब से पहली बार एनएससीएन चीफ टीएच मुईवा ने कहा कि नागा झंडा और संविधान पर कोई समझौता नहीं होगा और समझौते में असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में पड़ने वाले पारंपरिक नागा इलाकों का भी एकीकरण किया जाएगा। एनएससीएन की इस मांग से मोदी सरकार और एनएससीएन के बीच चल रही शांति वार्ता बेपटरी हो सकती है। एग्रीमेंट में सरकार ने पहले ही कह दिया था कि असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के किसी भी इलाके को ग्रेटर नागलिम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार अलग संविधान की मांग भी ठुकरा चुकी है। मोदी सरकार ने समझौते का फ्रेमवर्क तैयार किया था और यह उम्मीद लगाई थी कि इस वर्ष एनएससीएन के साथ शांति समझौता पूरा हो जाएगा। मामले में सुरक्षा से जुड़े एक सूत्रों से पता चला है कि मोदी सरकार से शांति समझौते से लेकर बातचीत कर रहे नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि के साथ एनएससीएन कोई बातचीत नहीं करेगी। एनएससीएन के नेता इन दिनों खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए दिल्ली में ही हैं। वहीं नागालैंड के राज्यपाल भी गुरुवार को दिल्ली आए थे लेकिन वापस लौट गए। एनएससीएन नेता टीएच मुईया ने अलग झंडे और संविधान की बात नागालैंड में लोगों को संबोधित करते हुए बताई। उन्होंने दिल्ली में जारी किए गए अपने संदेश में अलग झंडे और संविधान का दावा करने की बात कही। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि मुईया पहले भी स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को संबोधित करते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भाषण दिया है। मोदी सरकार को इस मसले में बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, जिससे नागालैंड की संप्रभुता भी बनी रहे और सरकार का भी काम बन जाए, क्योंकि किसी की संप्रभुता प्रभावित होती है तो परेशानी बढ़ जाती है। लोगों को संबोधित करते हुए एनएससीएन नेता टीएच मुईया ने कहा कि 2015 का समझौता परस्पर सहयोग और साझा संप्रभुता का था। सरकार ने समझौते में नागा संप्रभुता को स्वीकार किया था। नागा लोग भारत के साथ मिलकर रहेंगे, अपनी शक्ति और संप्रभुता को साझा करेंगे, लेकिन वह भारत के साथ विलय नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नागालैंड सन 1947 से ही भारत का हिस्सा नहीं रहा है, बल्कि 1960 में नागा लोगों के सम्मेलन बैठक में इस बात को पेश किया गया कि नागालैंड को भारतीय संघ का हिस्सा होना चाहिए। 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और 1964 में लोकतांत्रिक ढंग से यहां एक कार्यालय की स्थापना की गई। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे
और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां, अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।